गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो कल की बात करें तो कल के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, उसके बाद उसके अंदर टेस्ट केस क्या है, बिग बैंग टेस्टिंग क्या है। आज हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, कि इंक्रीमेंटल टेस्टिंग है क्या। तो बेसिकली जो बिग बैंग टेस्टिंग था, तो बिग बैंग अप्रोच के अंदर हम क्या करते थे कि जो मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल को हम एक साथ ग्रुप के अंदर क्या करते थे, उसको टेस्ट करते थे। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे, तो दो या दो से ज़्यादा जो मॉड्यूल्स है जो एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ऐसे जो भी मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स को आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं। उसके ऊपर हम प्रॉपर फंक्शन से टेस्टिंग करेंगे, और जो टेस्टिंग करेंगे वो टेस्टिंग इस तरह करेंगे कि इसके अंदर हम उसका इंटरफेस भी देखेंगे, इसके बाद उसका जो लॉजिकल जो भी कोड्स है वो कोड को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना है। देन दी अदर रिलेटेड मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड incrementally and the process continues until all the logically related modules are integrated and tested successfully। कि हमें क्या करना है, तो हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसके जितने भी मॉड्यूल्स है वो सब मॉड्यूल्स को हमें चेक करना है कि वो सब मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ लॉजिकली कनेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है कि जो अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो हम उसका टेस्टिंग तब तक करेंगे जो लॉजिकली एक दूसरे से मॉड्यूल्स रिलेटेड है वो एक जब तक सक्सेसफुली टेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हमें क्या करना है, उसके साथ हमें टेस्टिंग करते रहना है। इंक्रीमेंटल अप्रोच का अप्रोच के दो मेथड्स हैं, एक तो है बॉटम अप और दूसरा है टॉप टू डाउन। उसके बाद हम देखते हैं स्टब्स एंड ड्राइवर, कि स्टब्स क्या है और ड्राइवर क्या है। स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर डमी प्रोग्राम इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज्ड टू फैसिलिटेट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी। स्टब और ड्राइवर जो है वो हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए उसके अंदर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो एक्टिविटी के लिए वो दोनों एक डमी प्रोग्राम्स है। दिस प्रोग्राम्स एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट्स फॉर द मिसिंग मॉड्यूल्स इन द टेस्टिंग। ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स है, ये दोनों को हमने अवेजी प्लेयर के हिसाब से रखा हुआ है यहाँ पे, कि जहाँ पे जो मॉड्यूल के अंदर जो मॉड्यूल्स मिसिंग रहते हैं उसकी जगह पे हम इसको रख के भी क्या करते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। हम सिंपल बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अंदर भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि एक प्लेयर को इंजर होता है तो उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर खेलता है। तो सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अवेजी में प्लेयर रहता है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है। वैसे ही हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर स्टब्स एंड ड्राइवर्स ये दोनों क्या है, तो कि ये दोनों हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास एक्स्ट्रा है कि जहाँ पे जो मॉडल मिसिंग है वो मॉडल को टेस्ट करने के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। दे डू नॉट इम्प्लीमेंट द एंटायर प्रोग्रामिंग लॉजिक ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, बट दे सिम्युलेट डेटा कम्युनिकेशन विद द कॉलिंग मॉड्यूल वाइल टेस्टिंग। कि अगर प्रोग्राम के दरमियान हमारे से कोई भी मॉड्यूल के अंदर लॉजिकली भूल हो जाती है तो उसके साथ कम्युनिकेशन टेस्टिंग के टाइम डेटा के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। स्टब इज कॉल्ड बाय मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग। कि स्टब का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा मॉड्यूल जो भी उसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं मॉड्यूल अंडर टेस्टेड, कि हमारा जो मॉड्यूल है वो टेस्टिंग मोड में है। ड्राइवर कॉल्स द मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। ड्राइवर्स क्या करते हैं, तो कि वो टेस्ट मॉड्यूल्स को कॉल करता है, उसको बुलाता है किसके लिए, तो कि टेस्टिंग के लिए। अब आता है हमारा बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग।
तो ये बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? तो बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी इन विच द लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड फर्स्ट। बॉटम अप में क्या है, उसका नाम ही हमें कहता है बॉटम टू अप, मतलब जो बॉटम में जो मॉड्यूल्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक आएंगे, तो कि हमारा जो फर्स्ट वाला मॉड्यूल है, जो अप वाला मॉड्यूल है, वहाँ हमें आना है। दिस टेस्टेड मॉड्यूल्स आर देन फर्दर यूज्ड टू फैसिलिटेट द टेस्टिंग ऑफ हायर लेवल मॉड्यूल्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि जहाँ पे हायर लेवल मॉड्यूल्स यूज होते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा कोड होता है वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई रियल टाइम एप्लीकेशन है, तो वो रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग बॉटम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और कोई ऐसी जीपीएस वाली एप्लीकेशंस है कि जिसके अंदर हम जीपीएस यूज़ करते हैं, तो वो जो हमारी एप्लीकेशंस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो कि उसके अंदर हम बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। The process continues until all modules at top level are tested। हमारी जो प्रोसेस है वो तब तक हमारे टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कब तक रहती है कि जैसे हमारे बॉटम लेवल से स्टार्ट हो और जब तक वो टॉप लेवल पे यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल पे ना पहुँचे तब तक क्या रहता है, हमारा बॉटम ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग चालू रहता है। उसके एक बार डायनामिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमें यहाँ पे देखिए 6 मॉड्यूल दिए गए हैं। एक है फर्स्ट जो मेन है, वो फर्स्ट में से 2 और डिवाइड हो रहे हैं, जो दूसरे वाला मॉड्यूल है उसमें से 2 और हो रहे हैं, और मॉड्यूल 3 में से 1 और हो रहा है। तो हमारा जो टेस्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कि हमारा मॉड्यूल 6 नंबर से हमारा टेस्टिंग स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद आगे ऐसे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक, जहाँ तक हमारा टेस्टिंग मॉड्यूल फर्स्ट को भी टेस्ट नहीं कर लेता है, वो मॉड्यूल फर्स्ट के पास नहीं पहुँच जाता है, तब तक क्या रहता है, हमारा बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग चालू रहता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो कि फॉल्ट लोकलाइजेशन इज इजियर, कि नीचे से शुरुआत करके हम ऊपर तक जाते हैं, तो बीच में जो भी फॉल्ट आते हैं वो फॉल्ट को क्या करते हैं, हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं। नो टाइम इज वेस्टेड वेटिंग फॉर ऑल मॉड्यूल्स टू बी डेवलप्ड अनलाइक बिग बैंग अप्रोच। कि इसके अंदर क्या होता है कि बिग बैंग अप्रोच के अंदर क्या होता था, हमारा टाइम वेस्ट जाता था, जब कि हमारे कोई मॉड्यूल्स डेवलपिंग मोड में है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमने नीचे से शुरुआत करी है, उसका जो लास्ट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल से हमने शुरुआत करी है, तो लास्ट मॉड्यूल कब बनेगा, जब फर्स्ट मॉड्यूल रेडी होगा तब लास्ट मॉड्यूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया होगा, और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाने के बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि हम हमारा टेस्टिंग करेंगे। दिस एडवांटेज इसका क्या है, तो कि क्रिटिकल मॉड्यूल्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन आर टेस्टेड लास्ट एंड मे बी प्रोन टू डिफेक्ट्स। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स रहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्रिटिकल, जिसको हम क्रिटिकल मॉड्यूल्स बोलते हैं, कि वो ज़्यादा यूज होने वाले मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो मॉड्यूल्स के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और उसके थ्रू हमारा जो भी डिफेक्ट्स है वो डिफेक्ट रह जाने का भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद है हमारा टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद क्या है टॉप डाउन, तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब टॉप से लेके हमें लास्ट तक आना है। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ मेथड इन विच इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉलोइंग द कंट्रोल फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि हमारा जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है टॉप टू डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके अंदर क्या होता है कि हमें टॉप से लेकर शुरुआत करनी है और बॉटम तक हमें जाना है। जब तक बॉटम तक हम नहीं पहुँचते हैं तब तक हमारा जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होता है, और टॉप से हम जब तक बॉटम तक पहुँचते हैं तो हम वहाँ पे हमारा
हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका फ्लो भी हमें पता चल जाता है। The higher level modules are tested first and then lower level modules are tested in integrated in order to check the software functionality। यहाँ पे क्या होता है तो कि हमारा जो modules है उसके अंदर जो हायर लेवल वाले जो मॉड्यूल्स है उसको हम क्या करते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन में सबसे पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो लो लेवल वाले मॉड्यूल्स है उसको उसके बाद टेस्ट करेंगे, और उसी हिसाब से उसी ऑर्डर के अंदर यानी कि हायर लेवल वाले जो मॉड्यूल्स है वो फर्स्ट रहेंगे और लोअर लेवल वाले जो मॉड्यूल्स है वो लास्ट उसके बाद रहेंगे। तो ऐसे हम उसको क्या करते हैं टेस्टिंग करते हैं, और इसी ऑर्डर के अंदर हम उसके सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनलिटी है कि वो कैसे वर्क करता है एक्सेट्रा वो सब हम यहाँ पे क्या करते हैं उसको उसी ऑर्डर में चेक करते हैं। स्टब्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग इफ़ सम मॉड्यूल्स आर नॉट रेडी, कि जब कई सारे मॉड्यूल्स ऐसे होते हो जो रेडी नहीं होते हैं तब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टब्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें एक और मॉड्यूल दिया गया है, जो ऊपर वाला दिया है वही है, लेकिन हमें क्या करना है फर्स्ट मॉड्यूल से शुरुआत करनी है और हमें लास्ट तक पहुँचना है। यहाँ इसका एडवांटेज क्या है तो कि ये भी जो है वो फॉल्ट हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट है वो फॉल्ट को पकड़ने के लिए ईजी है, पॉसिबिलिटी टू ऑप्टेन एन अर्ली प्रोटोटाइप कि इसकी उसका जो प्रोटोटाइप है उसको प्रोटोटाइप को हम जल्दी से बना भी सकते हैं, और क्रिटिकल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड ऑन प्रायोरिटी मेजर डिजाइन फ्लोस कुड बी फाउंड एंड फिक्स्ड फर्स्ट, कि यहाँ पे जो क्रिटिकल ऊपर के जो टेस्टिंग था जो बॉटम अप टेस्टिंग था उसमें क्या था तो कि जो क्रिटिकल्स मॉड्यूल्स हैं हम उसको क्या नहीं कर पाते थे हम उसको इजीली टेस्ट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रिटिकल्स मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं तो कि उसको हम प्रायोरिटी पे चेक कर सकते हैं, उसको हम पहले टेस्ट भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा तो कि मैंने पहले ही बताया कि ये टेस्टिंग में क्या होता है जो हाई लेवल वाले जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो मॉड्यूल्स को हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो लो लेवल वाले होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, और उसी ऑर्डर के अंडर ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है तो कि नीड्स मैनी स्टब्स कि हमें यहाँ पे स्टब्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मॉड्यूल्स एट अ लोअर लेवल आर टेस्टेड इन तो कि यहाँ पे क्या होता है जो लो लेवल वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं वो मॉड्यूल्स को टेस्ट करने में हमें कई तकलीफें भी आती है। उसके बाद है हमारा सैंडविच टेस्टिंग। सैंडविच टेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी इन विच टॉप लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड विथ लोअर लेवल मॉड्यूल्स एट द सेम टाइम लोअर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड विथ टॉप मॉड्यूल्स एंड टेस्टेड एज अ सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है सैंडविच टेस्टिंग के अंदर क्योंकि ये जो सैंडविच टेस्टिंग है ये एक हमारा हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग है जिसके अंदर बॉटम अप और टॉप टू बॉटम जो टेस्टिंग है वो दोनों टेस्टिंग है यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसको हम सैंडविच टेस्टिंग भी बोलते हैं और इसको हम हाइब्रिड टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें कई बार हम क्या करते हैं क्योंकि हम इसकी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से ये इसको हम टेस्टिंग करते हैं कि जहाँ पे हम टॉप लेवल वाले मॉड्यूल्स को भी हम लोग क्या कर सके टेस्ट कर सके और लोअर लेवल वाले मॉड्यूल्स को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पे हम स्टब्स और साथ में ड्राइवर्स ये दोनों की भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो इसको हम टॉप हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों बोलते हैं तो कि ये जो एक टेस्टिंग है वो एक ऐसा टेस्टिंग है जिसके अंदर टॉप डाउन और बॉटम अप टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन रहता है। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन आज का इतना ही रहेगा, और लास्ट में आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं उसके असाइनमेंट आपको मुझे सबमिट करना है। आज हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा स्लो
थोड़ा छोटा आ रहा है, 15 से 20 मिनट का ही आ रहा है, तो उसके पीछे एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है और उसकी वजह से मैं इतनी मिनट जो मिनट होनी चाहिए वो वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आगे से आपको हम लंबे वीडियो देंगे। तो प्लीज़ ये जो असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट आज भूलना नहीं है, हमें आज ये असाइनमेंट लिख के सबमिट करना है, तो कोई भी भूलिएगा नहीं, ठीक है? तो ये सबमिट कर दीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।